रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग का आज 36वां दिन है। इस बीच जंग के दौरान रूस को यूक्रेन से लगातार चुनौती मिल रही है, लेकिन रूस के लिए ये चुनौती और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब यूक्रेन ने जंग के बीच अपनी सरजमी पर तैनात कर दिया है सबसे तेज लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाला एयर डिफेंस सिस्टम। और बड़ी खबर, रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन ने तैनात किया है स्टार स्ट्रीट एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रिटेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए ये स्टार स्ट्रीट एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। स्टार स्ट्रीट की तैनाती से रूसी एयरफोर्स को अब टेंशन होगी, क्योंकि स्टार स्ट्रीट से दागी गई घातक मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है और करीब 7000 मीटर के दायरे में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को गिराने की ताकत रखती है। इस सिस्टम को पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तैनाती के बाद रूस के लिए यूक्रेन के शहरों में हवाई हमले जारी रखना बहुत खतरे वाला मिशन साबित हो सकता है। जेलेंस्की के बदले गेम प्लान से पुतिन को टेंशन। ब्रिटेन के एक हथियार से रूसी सेना का प्लान फेल। यूक्रेन के प्लान से रूसी सेना की आएगी शामत। जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन ने उतारा स्टार स्ट्रीट। रूस यूक्रेन की जंग में ब्रिटेन ने ऐसी बिसात बिछाई जिससे निपटने में रूसी सैनिकों को मुश्किल हो रही है। ब्रिटेन का सपोर्ट और ज़ेलेंस्की का गेम प्लान, दोनों की जुगलबंदी से रूसी एयरफोर्स टेंशन में है, और इस टेंशन की वजह है कि स्टार स्ट्रीट एयर डिफेंस सिस्टम। इस लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाले एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी एयरफोर्स को टेंशन हो गई है। रूस के लड़ाकू विमानों को करारा जवाब मिलने लगा है। जो रूसी विमान अब तक आग बरसा रहे थे, वो अब ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के इस घातक हथियार से यूक्रेन मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। युद्ध के पहले दिन से ही रूसी सेना के अटैक का जवाब यूक्रेन की सेना दे रही थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि रूस को अपने कई लड़ाकू विमान खोने पड़े हैं। अब युद्ध को एक महीने से ज्यादा हो चुका है, ऐसे में रूस अपनी रणनीति बदल रहा है, तो यूक्रेन के पास ऐसा हथियार आया है जो आसमान में होने वाली पुतिन की एयर स्ट्राइक को करारा जवाब देगा। पुतिन की सेना के गेम प्लान को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन ने जंग के मैदान में घातक पोर्टेबल स्टार स्ट्रीट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ब्रसेल्स में हुई नेटो की बैठक में पूरी दुनिया को लगा कि यूक्रेन को सिर्फ आश्वासन मिलेगा, नेटो देश उसका मुंह से साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने ज़ेलेंस्की की सेना को स्टार स्ट्रीट जैसा घातक हथियार दिया। इस हथियार की खासियत जानकर रूसी सेना की टेंशन बढ़ गई है। स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम सबसे तेज शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, जिससे दागी गई लेजर गाइडेड मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। यानी इस सिस्टम से फायर की जाने वाली मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेजी से दुश्मन पर हमला कर सकती है, और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले ये मिसाइल डार्ट जैसे दिखने वाले 3 छोटे छोटे रॉकेट नुमा हथियारों में तब्दील हो जाती है, जो ये तय करता है कि मिसाइल अपने टारगेट पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को संभालने का समय तक नहीं मिलता, और महज
14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात करने के साथ ही कंधों पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर ब्रिटेन का दावा है कि ये कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे तेज मिसाइल सिस्टम है। युद्ध के दौरान अभी तक यूक्रेन जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम उससे कई गुना बेहतर है। खास बात यह है कि इस मिसाइल सिस्टम को इंफ्रारेड और रडार ब्लॉक करने वाले सिस्टम से भी रोका नहीं जा सकता। जाहिर है इस सिस्टम के जरिए रूस को डायरेक्ट मैसेज है कि वो अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन की सरहद में अब ना घुसाए, वरना विमान तबाह करने में यूक्रेनी सैनिकों को देर नहीं लगेगी, क्योंकि ब्रिटेन ने यूक्रेनियों को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लैस कर दिया है। यानी अब युद्ध के मैदान में ब्रिटेन का एक घातक हथियार लैस हो चुका है, जिससे पुतिन के सेना का जोश ठंडा पड़ता दिखाई देगा। लेकिन इस सिस्टम को तैनात करने के साथ ही ज़ेलेंस्की पुतिन को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि युद्ध की दूसरी लहर में रूस और घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। मतलब साफ है, रूस यूक्रेन जंग और विस्फोटक और विध्वंसक होने वाली है।